व दिस प्रोडक्ट मोर देन सेवन टू एट मंथस विद मी एंड मैंने इसको बहुत कम यूज करा है बिकॉज ऑफ इट्स लाइट टेक्सचर बिकॉज मुझे ना बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रेटिंग नहीं है या इफेक्टिव नहीं है बट इफ यू फॉलो मी यू वुड नो दैट माई स्किन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ तो मुझे थोड़े हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं बट वेन इट कम्स टू द ऑयली स्किन ऑयली स्किन वाले लोगों को वैसे प्रोडक्ट्स ही अच्छे लगते हैं जो कि थोड़े वाटर बेस्ड हों सो दैट की उनके स्किन के ऊपर वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस न करें इसका टेक्स्चर मैंने ट्राई करा तो मुझे ऐसे लगा कि इट वुड बी सूटेबल टू ऑयली स्किन ओनली इसके अलावा मैंने इसको काफी बार यूज करा है बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट लिटिल बिट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग इट्स इनग्रीडियंट्स प्राइसिंग क्वांटिटी आफ्टर दैट आई वुड से अबाउट माई एक्सपीरियंस अगर तुम्हें तो बात करूँ इसकी पैकेजिंग की तो ये बहुत सी क्यूट सी पैकेजिंग में आता है प्यारा सा कलर लगता है मेरे को एंड इसका जो क्वांटिटी है वो आपको मिलता है ओनली ट्वेंटी एम एल एंड इसका जो प्राइस है सिक्स नाइन्टी नाइन रूपीज और ये इनका काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है क्योंकि इट हैज सम गुड क्वालिटीज इन इट जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मैड्रीन ऑरेंज एंड हाइलोरॉनिक एसिड द ब्रांड क्लेम्स कि आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है एंड इट हैज पोल्यूशन फाइटिंग प्रॉपर्टीज एंड इट हाइड्रेट्स योर स्किन मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा और हाइड्रेट करके रखेगा इट इज क्रुएल्टी फ्री हंड्रेड परसेंट वीगन सेफ इंग्रेडिएंट्स है इसमें और ये पैराबिन फ्री है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है ट्वेंटी फोर मंथस बिफोर ब्राइट अप करता है पोल्यूशन है रिंकल्स को रीअपेयर होने से रोकता है देखो जो विटामिन सी है वो पिगमेंटेशन को तो रिड्यूस बहुत इफेक्टिवली नहीं करता लेकिन अगर आपकी पिगमेंटेशन चली गई है तो वो रिय करना हो इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मोर इंपॉर्टेंटली इट रिपेयर योर अन ईवन स्किन टोन जब आप विटामिन सी को कॉन्टिन्यूअसली यूज करते हो तो ये पिगमेंटेशन का जो रिस्क है उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है और आपके जो फेस पे डार्क स्पॉट होते हैं उनको भी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है क्योंकि आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप करता है देखो रिंकल्स जो नेचुरली आ रहे हैं वो तो आने ही है लेकिन ये जो इनकी अपेयरेंस है उसको थोड़ा सा डिले कर देता है एंड अलॉन्ग विदोरॉनिक एसिड ये आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा और हाइड्रेट करके रखेगा बट मेक श्योर जब भी आप विटामिन सी को यूज करे कोई भी स्किन टाइप कोई भी विटामिन सी अगर उसमें थोड़ा सा भी विटामिन सी

ऑयल फ्री है इसमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है मैं डॉटन की का यूज करती हूँ उसमें भी स्टिकीनेस है प्लम का यूज करती हूँ उसमें डॉटन की की कम स्टिकीनेस है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है देखो कोई विटामिन सी यूज करता है जैसे कि मुझे बहुत सूट करता है विटामिन सी तो आप डेफिनेटली इसको स्किन केयर में इंक्लूड करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग विटामिन सी यूज करें ये नहीं है कि हर विटामिन सी हर स्किन टाइप के लिए होता है ऐसा नहीं होता अलग अलग परसेंटेज में विटामिन सी प्रेजेंट होता है गुला प्रोडक्ट में सो ऑलवेज गो थ्रू करिए पहले ऐसे ही मत लगा लीजिए एंड नाउ सी बिल्कुल मेरी स्किन में चला गया है दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट ये ब्रांड तो क्लेम करता है कि ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी स्किन केयर लेके आता है लेकिन मैं तो ये बोलूंगी कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा है सारा वो तो नॉर्मल है ये तो हर चीज लगाओगे होएगी लेकिन अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो डेफिनेटली आप इसको एक बार चेक करके डेफिने कॉम्बिनेशन वाले भी इसको लगा सकते हैं लेकिन उनको ये थोड़ा कम हाइड्रेटिंग लगेगा लेकिन इसका वाटर बेस्ड टेक्स्टर है सो दैट्स वाई ऑयली स्किन वालों को ज्यादा सूट करेगा मुझे ऐसा लगता है इन अ बेस्ट वे सो दिस इज वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू से अबाउट दिस प्रोडक्ट दिस इज अनस्पॉन्सर्ड रिस्टली नाइनटी फाइव परसेंट अनस्पॉन्सर्ड होते हैं अगर कोई स्पॉन्सर भी होता है तो मैं लिख देती हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वाले रिव्यूज हैं आई डोंट वांट टू मिस गाइड एनी वन और भी विटामिन सी अवेलेबल है स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड आई एल मीट यू सुन माई नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन बाय बाय टेक केयर